स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू अभी प्रेजेंट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 होगी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट में ये चीज कही गई है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहली बात, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स इन 10th क्लास इक्वल टू 10, टोटल कितने हैं 10। ठीक है, तो आप लेट करते हो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। तो जो आपके पास क्वेश्चन कहा गया है कि जो आपके पास फर्स्ट है इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दैट कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कितने हैं 10 है। उसके बाद इन्होंने कहा गया है कि जब हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, मतलब आपके पास दोनों का जो है वो आपके पास 10 आता है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या चीज कही गई है कि जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 देन नंबर ऑफ बॉयज है, या इसको कर लो वाई, इसको वाई कर लो, इसको एक्स कर लो। तो कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, दैट इज किसके बराबर है, 4 मोर देन, मतलब कि इससे 4 ज्यादा। तो मतलब आप ये तो लोगे और इसमें 4 और लिखोगे। ठीक है, आप देखेंगे हमारे पास ये आ गया आपके पास, इसको सेकंड इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, या आप ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपकी, इसको आप ले लो फर्स्ट, या आप ज्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ आप यही चीज करो ऐसे, ठीक है, इतना रख के ये वाली ऐसे इक्वेशन रखो। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन थी हमारे पास थी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, ये आपकी आ गई फर्स्ट और ये आ गई सेकेंड। अब देखो हमारे पास एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या चीज करनी चाहिए, पुट करेंगे एक्स, पुट कर लो या इसको आप चेंज कर लो, एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई, है ना, ये चीज तो है, या आप इसको ये चीज कर लो, इसको पुट करोगे आप किसमें, एक्स में, वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई इन फर्स्ट, फर्स्ट में इसको डाल दो, तो यहां पे क्या आएगा, 2y प्लस 4 इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, 2y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 3 जा, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर y की वैल्यू 3 आती है आप करो पुट y इज इक्वल टू 3 इन सेकेंड, तो सेकेंड थी एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी, 3 इक्वल टू 4, तो इस 3 को उस साइड ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3, एक्स इक्वल टू 7। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई, सॉरी एक्स की आ गई 7 और वाई की आ गई 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं, तो एक्स की वैल्यू 7 है और गर्ल्स कितनी है 4। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट
क्या चीज कही गई है? यहां पे कहा गया है कि 5 pencils एंड 7 pence टूगेदर कॉस्ट 50 rupees. लेट द, लिखेंगे लेट द पेंसिल्स बी, पेंसिल्स बी, या ऐसे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, सेकंड पार्ट है. अब आपके पास क्या दी गई है स्टेटमेंट? यहां पे बोला गया है कि 5 pencil, अगर 5 pencil की बात की जाए दैट मीन 5x. ठीक है, उसके बाद 7 pen प्लस 7 pen करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 rupees का. ये दोनों कंबाइन करके 50 rupees के आते हैं. ये आपके पास आगे पहली इक्वेशन. सेकंड, सेकंड में कहा गया है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेकंड. अब यहां पे आप क्या चीज करोगे कि ऐसे करना है कि जहां से आपके पास x की वैल्यू भी निकल जाए और y की वैल्यू भी निकल जाए. आप इस सेकंड का इस्तेमाल कर लो कि 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7. ठीक है, इसको दे दो स्टार. ठीक है, पुट कर दो स्टार इन फर्स्ट. तो 5 × 46 माइनस 5y अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल टू 50. ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं, इस जगह लिखता हूं दूसरी साइड. क्या था हमारे पास? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 फर्स्ट, और सेकंड थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 सेकंड. ठीक है, मैंने सेकंड को किया था कि 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, इसको मैंने दिया था स्टार. ठीक है, आप पुट करो, पुट स्टार इन फर्स्ट. तो 5 × 46 माइनस 5y अपॉन 7 प्लस 7y इक्वल टू 50. तो इसको करेंगे हम सॉल्व मल्टीप्लाई करके. 6 5 30 0 3 5 4 20 2 30 25y अपॉन 7 प्लस 7y इंटू 7, इससे भी करेंगे और 7 इससे भी करेंगे. यहां पे आ जाएगा 50, क्योंकि हमने एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर सेम करना. ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे कि यहां पे 230 माइनस 25y अपॉन 7 प्लस 49y अपॉन 7 इक्वल टू 50. ठीक है, 7 आगे नीचे डिनोमिनेटर में, एलसीएम 230 माइनस 25y प्लस 49y इक्वल टू 50. ठीक है, अच्छा तो आप देखेंगे यहां पे कि ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 230 माइनस 25y प्लस 49y अपान, यहां पे 7 नहीं बचेगा, 7 उस साइड मल्टीप्लाई होगी तो 7 × 35 350. ठीक है जी, ठीक है. अच्छा, अब यहां पे ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 24y, और ये वाला पॉजिटिव है उससे जाके नेगेटिव, 350 माइनस 230. तो 24y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 24 या 12 से कर लो, 12 2s are 12 10s, तो 2 1s are 2 5, y की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5, इसको आपने पुट करना है सेकंड में. ठीक है, अब सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहां से मिटा रहा हूं, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन सेकंड. तो 7x प्लस 5 × 5 इक्वल टू 46, 7y इक्वल टू 5 × 5 = 25, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 25, 7y इज इक्वल टू कितना आ गया 21, y इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 1s are 7,
थ्री सर, तो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू आ गई 7x, x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या चीज करनी है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। सबसे पहली बात, जब ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है आपका यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा तो और क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड आपके पास आ जाता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में आपके पास क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और क्या आता है आपके पास, क्या आएगा कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। थर्ड आपके पास आता है पैरेलल, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशंस, तो क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। एक सेकेंड, चलो अच्छा ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहली बात, हमारा फर्स्ट पार्ट आता है, देखेंगे फर्स्ट पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर थ्री ले लो और क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज, ये आता है 3.2 का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां पे आ रहे हैं, ये आ गई 3.2, 5x, ये यहां पे आप क्या कर लो, 3.1 ही कर लो, कंटिन्यू इसको रखो। ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड आपके पास आ गई 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या कहा था कि आपने कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज को कंपेयर करना है, लाइक a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब a1 अपॉन a2 क्या है, ऐसे लिख देते हैं, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, अब a1 अपॉन a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1 क्या है यहां पे -4 और b2 क्या है 6, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 9। अब यहां पे देखेंगे a1 अपॉन a2 क्या है 5 अपॉन 7 और ये क्या है, ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या आ गया आपका कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, सेकंड पार्ट में कराऊंगा और थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। ठीक है, ये रहा इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू
जीरो, ठीक है जी। अब ए वन अपान ए टू करना है, बी वन अपान बी टू करना है और सी वन अपान सी टू करना है। ए वन क्या है 9, ए टू क्या है 18, बी वन क्या है 3 और बी टू क्या है 6 और सी वन क्या है 12 और सी टू क्या है 24। देखो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। मतलब ये क्या आ गए, सारे बराबर आ गए आपस में। मतलब ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू। तो आपके पास क्या आएगा, कौन सी लाइन आएगी, कौन सी लाइन्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ये हो गया आपके दो पार्ट और नेक्स्ट आपने थर्ड पार्ट खुद से करना है, ठीक है। चलो अच्छा जी, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आपने वही चीज देखना है कि ये कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है, अब मैं आपको पहले समझा देता हूं। कंसिस्टेंट में आपके पास दो आते हैं और तीसरा आ जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट में सबसे पहले आपके पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरा यहां पे आपके पास आ जाता है कौन सा वाला, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है पैरेलल लाइंस वाला, याद रखना ये चीज, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, और उसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशंस। इसमें ये चीजें बच्चे आपने याद रखनी है, अगर आपने ये याद होंगी तो लीनियर इक्वेशन में आप मार नहीं खाने लगे। तो जैसे ही ये पढ़ाएंगे इनकंसिस्टेंट वगैरह, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कहीं बोलते हैं लेमिनेशन मेथड, तो वो नहीं होता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो आप देखेंगे आपका आ गया यहां पे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक। फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहां पे क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोबारा से इसका क्या करना है, यहां पे आपने रेशियोज कंपेयर करनी है, ठीक है। तो a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। a1 क्या है 3, a2 क्या है 2 और यहां पे क्या है b1 2 है और b3 क्या है 3, c1 क्या है 5 और c3 क्या है, c2 क्या है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है और यहाँ पे आपका आएगा कंसिस्टेंट और यहाँ पे क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी। ऐसे करना है आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो आपका प्रैक्टिस, हम लोग आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जहाँ पे कहीं पे डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।